हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आज आपको ऐसे तीन जादू की ट्रिक्स दिखाऊंगा जिसको देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाओ। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को मतलब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी जादू। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक में है, हमारे पास है एक माचिस की तिल्ली, मतलब माचिस की लकड़ी, और हम अब इसे गायब कर देंगे इन 3, 2, 1। तो फ्रेंड्स, ये जादू में सिंपली हमको क्या करना पड़ता है, 2-साइडेड टेप लेना पड़ता है और हमारे हाथ पे कट करके लगाना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा माचिस की गाड़ी बोल सकते हैं, माचिस की गाड़ी को यहाँ पे ऐसा चिपकाना होता है और आप इसे गायब कर सकते हो ऐसे। ये यहाँ पे ऐसे छुप जाएंगे आपके और ऐसे लगेगा कि ये सच में गायब हो जाएंगे। तो अब फिर से देखिए, आपको कैसे लगा है जादू, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं सेकंड मैजिक ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली मैजिक ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक पेन। और मैं फ्रेंड्स देखना मैं इसको कैसे हवा में उड़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना होता है, एक पेन ऐसे वॉच के पीछे मतलब ऐसे छुपाना होता है, पेन या पेंसिल। तो आप जब भी ये पेन ऐसे आप रखेंगे तो ये ऐसे मतलब इससे ऐसा मतलब स्टिक जैसे हो जाएगा और ये ऐसे लगेगा कि हवा में उड़ रहा है। अगर आपके मतलब अगर ऐसे जादू आप मतलब ये पेन से अगर आपको अच्छे से नहीं जम रहा है, ये पेन ऐसे दिख रहा है बार बार, तो आप क्या कर सकते हो, 2-साइडेड टेप ले सकते हो, ऐसा चिपका सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है अगली ट्रिक, मतलब थर्ड ट्रिक और फाइनल ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिंग है और ये एक रबर है। मैं अब ये रबर रिंग को रबर में डाल दूंगा। 3, 2, 1। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना होता है, ये रबर लेना होता है, उसे काटना होता है और उसके अंदर रिंग डाल के गांठ मार देनी होती है। और फिर आपको कुछ ऐसे करना पड़ता है, दो उंगलियों के बीच में वो जो गांठ आती है वो छुपा देना है। और फिर ये दो उंगलियों पर के ये थर्ड उंगली से आपको ऐसे रिंग फोर्थ उंगली और मतलब फोर्थ उंगली और थम से थम की मदद से आपको ऐसे दिखाना होता है कि रिंग अलग है और रबर अलग है। और जैसे ही आप ऐसे करते हो तो रिंग रबर में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ट्रिक कैसे लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।